चलो बताओ। हाँ 40%, 35, 35, 40, 35, 35, 25, 30, 25, 30, 40, 30% है। हाँ ठीक है चलो। चलो सबके पास डेटा तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो, इफ सैलरी ऑफ मिस्टर चमकी इज रुपीज 12,000 इन जुलाई एंड इट्स सेविंग्स इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज। चलो ट्राई करो। पहले सैलरी दिया है और ऊपर जो डेटा दिया है वो आपका है एक्सपेंसेस। ये जो सब दिया है वो एक्सपेंसेस है, लिखा है वहां पे। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस एंड सेविंग दोनों इंक्लूड होता है। मैम, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, हाँ फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन कहाँ पे दिया आपने? ग्रुप में सेंड किया था, वही है, लास्ट लेक्चर में लिया था, वही है। ओके ओके। देखो टोटल सैलरी दिया है, सैलरी में आता है एक्सपेंसेस और सेविंग। तो ये एक्सपेंसेस का सब परसेंटेज है, तो जो बचेगा वो तो सेविंग का परसेंटेज हो जाएगा। और टोटल सैलरी दिया है जुलाई का, और उन्होंने बोला है जो सेविंग है वो हाफ है उसके एक्सपेंडिचर से जो उसका रेंट का है एक्सपेंसेस। तो जुलाई का जो टोटल होगा वो लेना पड़ेगा। रेंट, ट्रैवल एंड फूड, ये सब का सब एक्सपेंसेस मैम है। आवाज नहीं आ रहा। स्लो और ये क्या? हाँ देखो ये जो दिया है ना, ये सैलरी है। सैलरी दिया है 12,000 इन जुलाई। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक्सपेंसेस एंड सेविंग। और ये जो पूरा का पूरा है वो एक्सपेंसेस है। जुलाई का आपको ये पूरा का पूरा जो ये दिया है वो एक्सपेंडिचर दिया है। सैलरी आपको दिया है एक्चुअल वैल्यू में, ये पूरा का पूरा परसेंटेज है वो है एक्सपेंसेस का परसेंटेज। तो जो बचेगा वो तो सेविंग होगा, और सेविंग दिया है उन्होंने, जो सेविंग है हाफ है उसके एक्सपेंडिचर, जो रेंट है उसके, रेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है उसके डायरेक्टली जो हाफ होगा वो होगा सेविंग। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्या होगा?
2880 नहीं जो टोटल दिया है जुलाई का वो देखो कितना आ रहा है, 40 + 30 + 30, टोटल 100% है। तो जो 100% मतलब 40 30 30 वो दिया आपको, उसमें से सेविंग का दिया है, सेविंग का दिया है, सेविंग हाफ है उसके रेंट से। नहीं नहीं 120 नहीं होगा, रेंट है ना, रेंट का यहाँ पे 20 है। 3600 नहीं, नहीं यहाँ पे तो 100% जो है वो तो एक्सपेंसेस है, ठीक है। 100% जो है 40 + 30 + 30, 100% है एक्सपेंसेस है। 12,000 में से ही सेविंग के बारे में दिया है, सेविंग है हाफ, लेकिन किसका हाफ, रेंट का, रेंट का तो हाफ 20% है। ही आएगा ना? नहीं 20% नहीं आएगा यहाँ पे, परसेंट लेके नहीं कर सकते, यहाँ पे रेशियो से जाना पड़ेगा, रेशियो से जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये 100% ही आ रहा है, एक्सपेंसेस जो दिया है वो तो 100% ही है। क्या हुआ? 20% में कैलकुलेट नहीं करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, बता दो ना मैम। किसी का भी नहीं आया क्या? बोलो। देखो रेशियो से, यहाँ पे रेशियो से करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं ज्यादा हो गया, ये इतना नहीं आएगा, फूड का बोला है ना, फूड का इतना नहीं आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। मैम आवाज नहीं आ रही है फिर से, माइक पकड़ के बोलना पड़ेगा। चलो बहुत स्लो आ रही है क्या? यस मैम, एक्चुअली गला बैठा है मेरा इसके लिए। देखो सैलरी दिया है 12,000 इन जुलाई का, ठीक है, सैलरी दिया है, सैलरी में एक्सपेंसेस और सेविंग दोनों इंक्लूड होता है। तो ये जो 12,000 है इसमें तो पूरा का पूरा सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन ये देखो इसको अगर हम डायरेक्टली ऐड करें तो ये पूरा का पूरा जो है 100 है, 40 + 30 + 30 कितना होगा, 100। यह है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंसेस है। अभी ये एक्सपेंसेस में से देखो उन्होंने बोला है जो रेंट है, सॉरी जो सेविंग है वो हाफ है उसका, जो एक्सपेंडिचर है रेंट का। अभी रेंट कितना है, 40 है ना, रेंट तो 40 है, तो 40 का हाफ कितना होगा, कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस प्लस सेविंग कितना होता है, 120। तो ये 120 क्या होगा, सैलरी होगा, सब मिल गया। देखो इसका वैल्यू दिया है ना हमें 120 जो है
उसका वैल्यू दिया है 12,000, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है। फूड का पूछा है, फूड कितना है, देखो 30 है, यहाँ पे आपको रेशियो से करना पड़ेगा, 30 का वैल्यू कितना होगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12,000 × 30 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 100, 100 × 30 3,000, ये होगा आंसर। ठीक है, अभी किसी को डाउट है, बोलो अभी किसी को डाउट है इसमें? हाँ, काय का सेविंग्स का 20 सैलरी इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, हिज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट का एक्सपेंडिचर कितना है 40, 40 का हाफ कितना होगा 20, है कि नहीं, समझा, डायरेक्टली हाफ होगा। ओके मैम, हाँ बोलो, यहाँ पे तो चलो 40 30 30 मतलब 100% हुआ, अगर 100 नहीं होता तो वो वाला वैल्यू लिखते फिर एक्सपेंडिचर में। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हमने रेशियो से किया है, यहाँ पे परसेंटेज से किया ही नहीं है, तो जो टोटल होगा 100 नहीं हो, 100 होने दो, 90 होने दो, 70 होने दो, वो ही लिखना आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 100, ये सब जो है ना ये पूरा का पूरा 100 है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है, ये जो चार्ट है पूरा का पूरा वो एक्सपेंसेस का चार्ट है, तो एक्सपेंसेस रेंट पे हुआ है, ट्रैवल पे हुआ है, फूड पे हुआ है, तो ये सबका टोटल करोगे ना 100% ही आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, सेविंग नहीं दिया है वहां पे, मतलब सैलरी का नहीं दिया है यहाँ पे हमें, एक्सपेंसेस का दिया है, ठीक है, इसीलिए 100% यहाँ पे एक्सपेंसेस ही होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे जो किया है रेशियो से किया है, परसेंटेज से नहीं किया है। हो गया? यस मैम।
चलो बताओ। एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, ठीक है, दोनों का, मई और जून का, उसी मई और जुलाई का, उसी से जाओगे आप, रेशियो से ही जाओगे। कितना आया बताओ? रेशियो से करो, रेशियो से। एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो दिया है मई और जुलाई का, ठीक है, यहाँ पे आएगा मई, यहाँ पे आ जाएगा जुलाई, कितना दिया है 5:4, 5 और 4, ठीक है, ये दिया है। हमें सिर्फ 500 और 400 लिख सकते हैं ना, कुछ गलत नहीं होगा अगर लिखेंगे तो, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, चलता है, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इन मई,
मतलब ये जो मैं है ये तो टोटल है, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो रेंट का चाहिए। टू एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल इन जुलाई, ये तो जुलाई का टोटल है लेकिन हमें ट्रैवल का चाहिए। मई में देखो ये तो 500, अगर ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट का कितना दिया है मई में, मई में दिया है 35% दिया है, तो अभी 500 का 35% निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 35 × 5 175 हो गया, ठीक है 175 रेंट का हो गया। जुलाई में ट्रैवल का देखना है, ट्रैवल यहाँ पे है, जुलाई यहाँ पे है 30%, तो 400 का, 400 अगर टोटल एक्सपेंसेस है तो उसका 30% निकालेंगे तो ट्रैवल का आ जाएगा, 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है। ये तो आ गया, ये भी रेशो ही है, क्योंकि ये भी रेशो है तो उससे रेशो आया है, लेकिन रेशो को और डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड होता है तो डिवाइड करना पड़ता है, तो 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5 × 2 = 4, अभी होगा किसी से 7 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 = 24, ये होगा रेशो, क्योंकि रेशो पूछा है तो हमने रेशो निकाल दिया 35 = 24। किसी को डाउट है इसमें बोलो, जो रेशो उन्होंने दिया है उसी से जाना पड़ेगा। मैम आपने 500 400 लिया है इसके लिए सॉल्व हो गया, अदरवाइज ये अलग ही कुछ आ रहा था। हाँ पॉइंट में आता, सॉल्व हो जाता वहां पे भी, लेकिन पॉइंट में आ जाता आपका आंसर, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए तो 2 0 बढ़ा लो, हमारा कैलकुलेशन हम इजी करेंगे, खुद के हाथों से थोड़ी ना खराब करेंगे, ज्यादा क्यों कैलकुलेट करेंगे, जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना करेंगे। आप रेशियो में बढ़ा सकते हो 2 0, और यहाँ पे 5000 4000 भी कर सकते हो तो भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं था 1000 का, इसीलिए नहीं लिया, 500 और 400 लिए। चलेगा, वो भी रॉन्ग नहीं, उससे रॉन्ग नहीं आएगा। हो गया सबका लिख के? नहीं मैम। उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्या? अच्छा लिंक नहीं होगा ना वो, चलो सबको लिंक मिला है ना लेक्चर का? हाँ मिला है ना,
सबको मिला है ना लिंक, बाकी का पता नहीं है। मोमेंट अरे मजाक कर रही हूँ, लिंक नहीं मिलता तो लेक्चर कैसे आते हैं हम। चलो ₹5,000 देखो ऐसा टाइप जो अभी अभी हम ले रहे हैं ना, जो अभी हम टाइप ले रहे हैं ना, वो आपको क्लर्क के मेंस में पूछ सकते हैं, या तो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स होता है वहां पे ऐसे टाइप का डीआई पूछ सकते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये इजी नहीं है, इजी से थोड़ा ऊपर का लेवल है, क्योंकि टाइम जाएगा इसमें, सोचने में टाइम जाएगा। आया किसी का आंसर? इनकम दिया है मार्च और जुलाई का, ठीक है? मार्च का रेंट 1800 है। 18, अच्छा रेंट बता रहे हो, एवरेज बता रहे हो या रेंट बता रहे हो? 2340 पूछा है ना, दो। वेरी गुड, सही है, 2340 सही है, वेरी गुड, वेरी गुड विशाल, सही है। बाकी सब भी बताओ,
2340 आना चाहिए। देखो आपको दिया है इनकम, ठीक है, इनकम दो अलग अलग दिया है, मार्च और जुलाई का। उन्होंने बोला है उसी में से, इनकम में से ही सेविंग होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम का जो, इनकम में से जो टोटल दिया है आपको एक्चुअल वैल्यू, उसी में से सेविंग है 10%, हर एक का 10% सेविंग है। तो जो बचेगा, अगर आप 10% माइनस कर दोगे, सेविंग माइनस कर दोगे सैलरी में से, तो जो बचेगा तो वो तो आपको मिल जाएगा ना एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का आपको रेंट, तो रेंट का आपको परसेंटेज दे दिया है दोनों का, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, खुद को आना चाहिए। मैं तो बता दूंगी इसके बाद कैसे करना, लेकिन आप खुद भी ट्राई किया करो, सब समझा करो क्वेश्चन को, दिया क्या है, पूछा क्या है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है। देखो उन्होंने दिया है, क्लियरली दिया है कि वो सेव करता है 10%, तो 10% सेव करता है उन्होंने दिया, ऑफ विच ही सेव्स ओनली 10%, मतलब जो सैलरी होगा उसी में से सेविंग होगा 10%, तो जो बाकी बचेगा वो तो एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि सैलरी में एक्सपेंसेस और सेविंग ही होता है और कुछ नहीं होगा। तो जो एक्सपेंडिचर अगर आपको आएगा तो उसका रेंट का तो निकाल सकते हो, हमारे पास परसेंटेज है सबका, दोनों का वैसे ही करना है, मार्च और जुलाई दोनों का सेपरेटली करना है, और उसके बाद एवरेज निकालना है, मतलब जो भी आपको रेंट का आएगा दो रेंट का ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टू कर दो, 2340 आ गया, ठीक है, सही है। चलो बाकी सब भी बताओ, खुद से ट्राई किया करो। देखो मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप खुद कब करोगे, खुद से भी ट्राई करना चाहिए। चलो देखो, इनकम तो दिया है मार्च का और जुलाई का, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मार्च, ये आ गया जुलाई, इनकम दे दिया है, ठीक है, ऑफ विच मतलब इसकी बात हो रही है इनकम की, ये जो दिया है दोनों का दोनों वैल्यू, इसी में से ही सेव्स, वो सेव करता है 10%, तो 10% अगर सेविंग है सैलरी में से, 10% सेविंग है, जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10% निकाल देंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, 10% निकालो टोटल में से माइनस कर दो, या तो आप डायरेक्टली 90% भी निकाल सकते हो, दो मेथड है, कुछ भी करो चलेगा। जैसे यहाँ पे 10% निकाल देंगे, कितना आएगा, 500 आ जाएगा ये, अच्छा 5000 अलग से लिखना चाहता है, ठीक है 5000 यहाँ पे लिख दीजिए, 5000 इनकम है, इनकम में से सेविंग अगर माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना आएगा 4500, ठीक है आ गया एक्सपेंडिचर। जुलाई में भी सेम करना है, 8000 का 10% निकालना है, 800 आ गया, 8000 में से माइनस कर दो 800, यहाँ पे आ जाएगा 7200, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस, यहाँ पे मिल गया एक्सपेंसेस, यहाँ पे मिल गया एक्सपेंसेस, सेपरेटली निकालना है रेंट। अभी देखो ये तो मार्च की बात हो रही है, मार्च के एक्सपेंडिचर की, लेकिन रेंट की, मार्च में रेंट है 40%, तो हमें रेंट ही चाहिए, तो हम 40% ही निकालेंगे, इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे जुलाई में, जुलाई में रेंट देखो कितना है 40, तो इसका 40 निकाल दो, 7200 का 40%, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1800 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 720 into 4 ये हो जाएगा
2880 1800 आया है 2880 हाँ क्या हुआ नीचे का नहीं दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा एक अभी दिख रहा है यस मैम पक्का नीचे यहाँ तक दिख रहा है ना हाँ मैम हाँ हाँ ठीक है सर ये क्या है ये मार्च का है ये जुलाई का है उन्होंने हमें क्या पूछा है टोटल नहीं पूछा है एवरेज पूछा है तो एवरेज के लिए ऊपर क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जिसका एवरेज पूछा है हम क्या कर देंगे उन दोनों का टोटल तो यहाँ पे दोनों का टोटल ऐड जाएगा दोनों का टोटल कितना होगा यहाँ पे 8680 ठीक है टोटल आ गया लेकिन एवरेज जब भी पूछते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला होता है ऊपर आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब मार्च और जुलाई का हम सम कर देंगे टोटल कर देंगे डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कितना नंबर से यहाँ पे देखो एक मार्च है और दूसरा है जुलाई मतलब डिवाइडेड बाय क्या होगा दो वैल्यूज के बारे में दिया तो डिवाइडेड बाय टू होगा अगर तीन महीने के बारे में दिया होता तो डिवाइडेड बाय थ्री करते ऊपर तीनों का एडिशन करते यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू फोर टू इंटू जीरो 2340 हो जाएगा हमारा आंसर एवरेज मिल गया किसी को डाउट है इसमें बोलो मैम वो एक्सपेंसेस आए ना 4500 और 7200 हाँ हाँ हेलो उसके हाँ बाद आपने क्या किया है एक बार बताइए ना देखो वो तो एक्सपेंडिचर आ गया ये जो है ये एक्सपेंडिचर है ना अभी ये हाँ. जो दिया है वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है हमें एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए हमें चाहिए रेंट का एक्सपेंडिचर तो 4500 अगर टोटल है 100% होगा ना ये जो टोटल मिला है किसी एक के बारे में नहीं दिया रेंट ट्रैवल फूड के बारे में नहीं दिया तीनों का टोटल मिला है यहाँ पे ये वाला ये जो मिला है तो उन्होंने रेंट का पूछा है यहाँ पे तो 4500 जो है मार्च में देखो रेंट का कितना दिया 40 दिया तो 40% निकाला जुलाई में रेंट का कितना दिया है 40 ही दिया है तो फिर से 40 निकाला क्योंकि रेंट के बारे में उन्होंने पूछा है रेंट का कितना होगा एवरेज ठीक है और उसके बाद एवरेज कर देंगे मतलब रेंट का दोनों आ जाएगा जैसे यहाँ पे 40% निकाला 1800 2880 दोनों आ गया उनका टोटल कर दिया क्योंकि एवरेज पूछा है तो इनका टोटल आ गया 4680 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एवरेज पूछा इसीलिए
हो गया मैम। चलो करो। फाय फायर है। एक नहीं फाय फाय नहीं है, फाय तो नहीं आ रहा, फिर से ट्राई करूं। मोर देन बोला है, मोर देन एटीन भी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है ये, बताओ। हेलो मैम। हाँ कितना आया? 16.8 परसेंटेज में बताओ कितना परसेंटेज में ही आया? 16.8 नहीं नहीं 20% है? 20 भी नहीं है। इतना रॉन्ग, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? इतना टफ नहीं है ये। 10% है मैम। नहीं 10% भी नहीं है। मोर देन बोला है, मोर देन। मोर देन में क्या करते हम, बताओ? मोर देन में क्या करते? डिफरेंस लेते हैं। अच्छा सही है, डिफरेंस। फिर आगे नीचे क्या आएगा डिवीजन में?
95 कहाँ से आएगा? 16 पॉइंट कितना आया? 66 अनिश आपका आया? सही है 16.66% आना चाहिए. वेरी गुड अनिश, सही है. अच्छा ईशा आपका भी आ गया? ईशा और नेहा दोनों का आ गया. सही है 16.66 आएगा. 16.66 अभी आ रहा है सबका. ट्रैवल इन मे, मे में है ट्रैवल 35. इज व्हाट is what percentage more than बोला है expenditure on travel in July. July में travel है 30. और जब भी more आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर हमेशा difference लेते हैं. तो ऊपर तो difference आएगा, divided by than के बाद किसकी बात हो रही है, than के बाद travel in July की, मतलब इसकी बात हो रही है, तो divided by 30 आ जाएगा. और जब भी परसेंट पूछते हैं हम क्या करते हैं, इनटू 100. यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 6 30 होगा. अभी 1/6 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है पता है तो डायरेक्ट 16.66 का डायरेक्टली फ्रैक्शन आता है 1/6. ये होगा आंसर. या तो 100 / 6 कर दोगे तो भी यही आंसर होगा, 16.66%. ऐसा परसेंटेज में लिया है हमने. मैम परसेंटेज मॉर्निंग में नहीं हुआ है. मॉर्निंग में हुआ है मैम, हम लोग का नहीं हुआ है. नहीं मैम, जून से नहीं हुआ है मैम हम लोग का. अरे चलो ठीक है, ले लेंगे, लेकिन परसेंटेज नहीं हुआ है. बाकी का चैप्टर तो हुआ है. परसेंटेज और जो रेशियो है ना वो कभी छूटेगा ही नहीं आपसे. ऐसा है वो हर एक चैप्टर में आता है. कोई भी चैप्टर उठा लो, परसेंटेज और रेशियो मिलेगा ही आपको, हर जगह पे मिलेगा. ठीक है, परसेंटेज नहीं हुआ है ले लेंगे, कोई बात नहीं. चलो परसेंटेज एक्चुअली हर महीने में मुझे लग रहा है 2-3 बार तो लेना ही चाहिए. बाकी चैप्टर्स ही रह जाता है, परसेंटेज ही परसेंटेज रेशियो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार. मैम आज इवनिंग में प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है ना? फर्स्ट है क्यों? लास्ट टाइम तो फर्स्ट पार्ट हुआ था ना. फर्स्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है आज. फर्स्ट पार्ट हुआ था लास्ट वीक में हुआ था. हो गया सबका लिख के. ये तो दिया, इसके ऊपर चार क्वेश्चंस, इसके ऊपर चार क्वेश्चंस ही था. नया दिया लेते, रुको. पार्ट क्या? प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू है. प्रोबेबिलिटी. हेलो. हाँ बोलो. 16.60% कैसा लाया आपने? आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे 100 / 6, 16.66 ही आएगा. देखो करके डिवाइड, या तो ये 2 से डिवाइड कर लो, 50 / 3 कर लो तो भी यही आएगा. कैसलेट एक लिया था ना हमने लास्ट लेक्चर में, एक कैसलेट लिया था ना. अच्छा वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है. मैम ये वाला डीआई का नाम क्या है? ये अपना बारग्राफ था. बारग्राफ वहां पे लिखा होगा ना, क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्या बारग्राफ?
पिछले बार जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ था बीच में से स्टार्ट हुआ था क्या, मतलब कोई एक चैप्टर खत्म हुआ था इसलिए आपने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था? हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन था शायद। ओके, इसने मैटर नहीं करी मैम, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तो लिखा था प्रोबेबिलिटी पार्ट वन, मैम को बताया था, मैम ने लिखा था प्रोबेबिलिटी पार्ट वन है। नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा था, मुझे लगा मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना इसके लिए मैं भी देखूंगी। चलो मेरे साथ लिखो सब, ठीक है? चलो ठीक है, ये है कैसलेट डीआई, जैसे कैसलेट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है? इसके ऊपर का जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता है, बस इसे बनाना, बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ गए आप कर लोगे, डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर कुछ एक लाइन छूट गया बीच में तो आपको टाइम लग सकता है ज्यादा, ठीक है? तो ध्यान से बनाना है और कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ये, एक बार बस समझ लो कैसे करना है, ठीक है? तो आप कर लोगे। और अलग अलग टाइप के कैसलेट आते हैं, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया है वैसे ही आपको पैराग्राफ दिया होगा एक, उसके ऊपर आपको डीआई बनाना है, तो वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे आप बनाओगे वैसा आएगा, ठीक है? लेकिन ये जो है इसका एक मेथड है, ये जो अभी डीआई दिया है ये टाइप का अगर आएगा तो उसका एक मेथड है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 200 एम्प्लॉयज है, टोटल 200 होगा एम्प्लॉयज हमें बनाना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिया है कि कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, जो एम्प्लॉयज है वो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, मतलब तीन लोगों की बारी होगी, तीन लोगों के बारे में दिया है टोटल एम्प्लॉयज में, कोई कोई है जो टी ड्रिंक करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक करते हैं, कोई कॉफी ड्रिंक करते हैं, ठीक है? तो उसमें से कोई कोई सिर्फ टी करता होगा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक करता होगा, सिर्फ कॉफी करता होगा, तो या तो ऐसे भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो टी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी दोनों ड्रिंक करते हैं,
टी एंड कॉफी दोनों ड्रिंक करते हैं, या तो ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे जो तीनों का तीनों ड्रिंक करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है। बस कैसे करना है ये आपको ही करना है, बस मैं बता रही हूँ कैसे करना है। आप पहले ट्राई करो, देखो ये ऐसा तीन सर्कल से जाओगे, ठीक है, ये तीन सर्कल हो गया, ऐसे जाओगे, परफेक्ट आ गया सर्कल। चलो टी यहाँ पे लिख दो, टी यहाँ पे लिख दोगे कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉफी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ए, बस हमें समझना चाहिए इसलिए मैं नंबर डाल, मतलब लेटर लिख रही हूँ यहाँ पे, ई एफ एंड जी, ठीक है, ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सब लिखा है ना, वहां पे आपको वैल्यू लाना है क्वेश्चन से। अभी अगर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में दिया है जो भी एम्प्लॉयज है वो सिर्फ टी, ओनली टी कंज्यूम करते हैं, ओनली टी, ओनली वॉल्यूम, ओनली, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओनली कोल्ड ड्रिंक दिया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ओनली कॉफी दिया होगा तो वो जी में आएगा, ये जी है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अगर ऑल थ्री दिया है, पूरा का पूरा तीनों ड्रिंक एम्प्लॉयज ड्रिंक करते हैं, ऐसे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, तो आप उसे यहाँ पे लिखोगे। क्यों यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे टी का सर्कल आ रहा है, यहाँ पे ये हो गया टी वाला पार्ट, कोल्ड ड्रिंक का सर्कल भी आ रहा है यहाँ पे देखो, और कॉफी का भी आ रहा है, मतलब तीनों का तीनों यही जो पार्ट है यहाँ पे, तीनों का तीनों जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए ऑल का ई में लिखोगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ टी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कॉफी नहीं है, इसीलिए ओनली टी यहाँ पे आएगा, कोल्ड ड्रिंक का भी सेम होगा और कॉफी का भी सेम होगा, और टी और कॉफी, देखो ये सर्कल जो है वो टी का है पूरा का पूरा, ये सर्कल कॉफी का है, तो ये जो डी है यहाँ पे देखो टी और कॉफी दोनों का ही आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो डी है वहां पे आप क्या लिखोगे, ऐसे एम्प्लॉयज जो टी और कॉफी दोनों का दोनों कंज्यूम करते हैं, ये जो बी है फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी और कोल्ड ड्रिंक आएगा यहाँ पे, और एफ के यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी, ठीक है, अभी समझ में आया। लेकिन ये जो देखो ये तीनों का तीनों जो सर्कल है, तीनों का तीनों सर्कल मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, सबका टोटल 200 एम्प्लॉयज ही आना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको ओनली टी दिया तो यहाँ लिखोगे, लेकिन अगर सिर्फ टी लिखा है, ओनली नहीं लिखा है टी के साथ, या तो सिर्फ कॉफी लिखा है, या तो कॉफी लिखा है या तो कोल्ड ड्रिंक लिखा है, ओनली नहीं लिखा है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लिखा है, तो उसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका वैल्यू आपको कोल्ड ड्रिंक का दिया है। अगर सिर्फ कॉफी दी आपको दिया है कि 120 एम्प्लॉयज कॉफी ड्रिंक करते, इतना दिया, ओनली कॉफी नहीं दिया, तो वो आप ये पूरा का पूरा जो सर्कल होगा वो कॉफी का होगा, और टी का भी ये पूरा का पूरा सर्कल होगा वो टी का होगा, तो उसे आप यहाँ पे नहीं बाहर लिखोगे, ठीक है, ओनली टी होगा तभी आप पे लिखोगे। अगर ओनली नहीं लिखा टी के साथ, ये पूरा का पूरा सर्कल मतलब बाहर लिख दोगे, ठीक है, अभी ट्राई करो आप। चलो ध्यान से करो, एक एक लाइन पढ़ के करो, ध्यान से हो जाएगा, डिफिकल्टी नहीं, जैसे मैंने किया बताया वैसा ही करना। मैम इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? मिसिंग है 25 एम्प्लॉय कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ व्हाइल 15 कंज्यूम, उसका भी कुछ है क्या? टी एंड कोल्ड ड्रिंक लिखा है ना, 15 कंज्यूम टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ, यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे डॉट है। चलो सब ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ बाद में, पहले ट्राई करो। और जैसे मैंने
वो जो जैसे मैंने वो क्या हो रहा, हाँ जैसे मैंने लेटर्स लिखा है ना वहां पे ही आप वैल्यूज ले लो, मतलब जैसे लिखा है वैसे ही जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। जो 100 एम्प्लॉयज दिए ना, 100 एम्प्लॉयज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, तो वन ड्रिंक कौन सा है वो तो नहीं बताया कि टी है या तो कोल्ड ड्रिंक है या तो कॉफी है, और एग्जैक्टली वन ड्रिंक बोला है। एग्जैक्टली मतलब एक ही वन ड्रिंक, दो तो कभी नहीं आएगा, तीन तो कभी भी नहीं आएगा, तो एक ही ड्रिंक की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन ड्रिंक, लेकिन किसी का मेंशन नहीं किया है। तो वो जो 100 एम्प्लॉयज है ना वहां पे क्या क्या आएगा, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी, तीनों का टोटल है 100 एम्प्लॉयज, ठीक है, उतना देखो आप, वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो आप। हो गया मैडम, डन हो गया पूरा? यस मैम। ओके ठीक है, चलो बाकी भी बताओ, जल्दी करो, चलो करेक्ट लग रहा है वैल्यू आपको विशाल सबका? yes. आ रहा है ना टोटल 200? यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बाकी सब करो।
जो 100 दिया है ना वो ए प्लस सी प्लस जी का टोटल है, ठीक है। बाकी सब आपको समझ जाएगा, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। और टोटल 200 एम्प्लॉयज है, तीनों का टोटल, तीनों सर्कल का। रिपीट नहीं लोगे आप, रिपीट नहीं लोगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी सबका टोटल आएगा 200। डन मैम। ओके ठीक है, और बाकी सब बताओ। चेक किया ना आपने श्वेता, 200 आ रहा है ना टोटल? यस मैम। ओके ठीक है, वेरी गुड श्वेता। चलो बाकी सब भी बताओ। नाइन्टी फाइव एम्प्लॉयज कंज्यूम टी बोला है, ओनली टी नहीं बोला है, ओनली टी नहीं दिया है वहां पे। 95 एम्प्लॉयज ओनली टी नहीं है, पूरा का पूरा टी का सर्कल जो है उसका वैल्यू 95 आएगा। नाइन्टी फाइव बाहर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना उसका वैल्यू 95 है, ये वाला। तो आपको ए वहां से ही मिलेगा, 95 से ए मिलेगा माइनस करने के बाद। बाकी सब दो स्टूडेंट्स का ही आया है, कहाँ अटक गए बाकी सब? टोटल 170 हो रहा है, 200 हो ही नहीं रहे हैं। तो आपने कुछ मिस किया है? सब वैल्यूज मिल गया आपको, ए बी सी डी ई एफ जी? मिल गया, सब मिल गया। तो कुछ गलत किया है आपने फिर, सबका तो 200 ही आएगा। एक्चुअली मैडम एफ का वैल्यू 200 में से माइनस करके ही आएगा। उनका सब मिल गया, उन्होंने बोला सब मिल गया, उन्होंने सब मिल गया, फिर एफ के ऊपर एफ का भी मिल गया, वो बोल रहे हैं एफ का भी मिल गया ना नम्रता। टोटल मिला के थोड़ी ना किया है, सिर्फ कॉफी में से टोटल माइनस करके किया है। कॉफी दिया है टोटल? टोटल नहीं दिया है, कॉफी ओनली, फिर टी एंड कॉफी बोथ, और 30 है। हाँ तो 30 प्लस, और ये टी एंड कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? टी एंड कोल्ड ड्रिंक तो निकाला है ना, कहाँ निकाला, कैसे निकाला बताओ। कहाँ से लिखा? कहाँ से? सपने में आया था एफ के यहाँ पे वो लिख के लेना दूसरा ही को। आना चाहिए, हमें अपने मन से नहीं लिखना है वैल्यू। चलो बाकी सब कहाँ अटक गए,
एफ का ध्यान से करना, ए और एफ और जी। जी तो आया होगा शायद, हाँ हुआ मैम, हो गया 100 200 आ रहा है सबका टोटल। हाँ ओके ठीक है, चलो तीन लोगों का ही आया है बाकी सब। चलो 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। टी एंड कॉफी बोथ कहाँ पे लिखूं मैं बताओ? डी 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 25 लिख दिया। चलो आगे 15 कंज्यूम टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ कहाँ पे लिखना चाहिए? बी बी। 35 कंज्यूम ओनली कॉफी जी जी। 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी बाहर बाहर सर्कल के टी के बाजू में। सही है चलो, फिर और क्या दिया? 30 कंज्यूम ऑल थ्री ड्रिंक्स ई ई। 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, तो वो किसका टोटल होगा पहले बताओ? ए सी जी। करेक्ट है, ए प्लस सी प्लस जी का टोटल है 100। ठीक है, हमारे पास जी है, हमारे पास ए और सी दोनों नहीं है, तो हम अभी ट्राई क्या करेंगे कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक वैल्यू तो मिल जाए, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे तो 95 है, पूरा का पूरा सर्कल है 95 का, उसमें से ये तीन वैल्यूज तो पता है, तो ये तीन वैल्यूज अगर माइनस कर देंगे ए का मिल जाएगा, मतलब ए बी डी एंड ई में से हम माइनस कर देंगे बी डी एंड ई, तो हमें ए मिल जाएगा। सबका टोटल, इन सबका टोटल तो 95 है, तो 95 में से माइनस कर देंगे, इनका टोटल कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। सही है, कितना हो जाएगा? 25 A का मिल गया 25, तो C का भी मिल जाएगा, A का तो 25 है, ये दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ, A का है 25, C का निकालना है, G का है 35 equals to 100, इन दोनों का टोटल हो जाएगा C equals to 100 minus 60 C equals to 40, ये आ गया 40। चलो और क्या बचा है? F, हाँ जिन्होंने, नम्रता ने पहली F आया था उनका, कहाँ से आया था पता नहीं। चलो 200 जो है ये टोटल है, टोटल में से तीन सर्कल माइनस कर देंगे मिल जाएगा, 200 में से माइनस कर देंगे, सबका टोटल करना पड़ेगा, सबका टोटल कितना आ रहा है? ये तो बॉक्स का पूरा 95 है, ये चारों 170। फिर से ऐड करने के लिए मत जाओ, देखो ये बॉक्स का तो पता ही है आपको, ये 95 है, ये दोनों का ऐड कर दो डायरेक्टली, ये कितना हो जाएगा? 75 75 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा, तो 200 में से माइनस कर देंगे 170, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ऐसा नहीं कि फिर से लाइन लगा और ऐड करते जाओ, ऐसा नहीं है, ये पता है 95, तो उतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, जितना टाइम बचेगा उतना बचाओ, ये पता है तो ये दोनों का एडिशन कर दो, इसमें ऐड कर दो 95 में, फिर आ जाएगा 30। ठीक है, किसी को डाउट है अभी? कहाँ तक गए थे सब? मैम ये फिर से बताओ। कौन सा बताओ? ये वाला एफ का। अच्छा देखो, ये जो तीनों का तीनों सर्कल है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, सबका टोटल आएगा 200। ठीक है, सिर्फ एफ का ही बाकी था, बाकी सबका वैल्यू मिला है ना हमें, तो ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस जी, इन सबका टोटल अगर 200 में से माइनस करते हैं तो अकेला यही बचा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो 200 में से 170 माइनस कर दिया, 30 आ गया।
ठीक है, 200 माइनस 170, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल का तो पता था 95, ये दोनों बाकी था 40 प्लस 35, इनका टोटल 75 आया, सबका टोटल 170 आया, 200 माइनस 170, ये जो आया है 200 माइनस 170 में से आया है, टोटल में से 170 माइनस करके एफ मिल गया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, बाकी सब निकाल दिया हमने। हेलो मैम। हाँ बोलो। लास्ट वाला लाइन था ना, 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ट्रेन, इसके वजह से कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो ए क्या है, ओनली टी, ओनली कोल्ड ड्रिंक सी है और ओनली कॉफी जी है, ए प्लस सी प्लस जी का टोटल 100 है, क्योंकि 100 एम्प्लॉइज दिया है, कंज्यूम एग्जैक्टली वन, मतलब दो और तीन तो नहीं आएगा, मतलब ये जो चार है वो तो हट गया, तो बाकी जो बचा है वो ही आएगा ना, ये चार तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली वन मतलब एग्जैक्टली वन ही आएगा, लेकिन इधर टी और कोल्ड ड्रिंक और कॉफी ऐसा मतलब होता है, तो तीनों का टोटल दिया है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली वन दिया है क्या कि एग्जैक्टली वन में टी होना चाहिए या तो ओनली कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, ओनली कॉफी होना चाहिए, वैसा नहीं दिया है, तो ये जो है 100 वो सबका टोटल ही लेना है आपको, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने साइड में ए प्लस सी प्लस जी इक्वल्स टू 100। थैंक यू मैम। और किसी को टोटल है, टोटल बोल रही हूँ, और किसी को डाउट है? बार बार बोल बोल के हो जाता है, चलो बोलो, डाउट है किसी को? नहीं मैम। ठीक है चलो, ऊपर का मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये जो डेटा है एज इट इज रहने दे। इसका क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस एक बार फॉर्म हो गया ना, कर लोगे, आराम से कर लोगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है तो मैम ऐसे ही पूछ लीजिए ना, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा बाद में, ऐसे पूछ लूंगी अभी के लिए हो जाएगा, लेकिन कभी अगर गलती से पढ़ना चाहा आपने तब क्या करोगे, पता भी होना चाहिए ना किस टाइप का पूछेंगे। चलो इसीलिए मैंने गलती से बोला, रोज तो कोई पढ़ता नहीं है, जो पढ़ना चाहिए पढ़ता ही नहीं है। चलो बताओ, ओनली टी एंड कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ का रेशो पूछा, बताओ। 5:6 देख के आना चाहिए आंसर। चलो बताओ, सब बताओ, फाइव टू सिक्स सही है, 5:6 वेरी गुड सही है। ओनली टी कितना है, ओनली टी 25 है और कोल्ड ड्रिंक कितना है, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ 30 है, रेशियो पूछा है 5 से डिवाइड करोगे, 5:5, 5:6 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया,
5 to 6 आएगा. चलो बताओ हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक. दो से ज्यादा भी नहीं चाहिए, दो से कम भी नहीं चाहिए. 17 70 आता है. सब बताओ. 70 एग्जैक्टली 2 मतलब टी और कोल्ड ड्रिंक आएगा 15. एग्जैक्टली 2 टी एंड कॉफी आएगा 25 और एग्जैक्टली 2 में कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी आएगा 30. तो इनका टोटल हो जाएगा 70. तो आंसर भी होगा 7070. एग्जैक्टली 2 बोला है तो 3 वाला भी नहीं लेंगे, 1 वाला भी नहीं लेंगे. 2 ड्रिंक साथ में वो ही आएगा 15 प्लस 25 प्लस 30. बताओ एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक. अभी अभी यहाँ पे ओनली कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा है. ओनली नहीं लिखा है तो ओनली नहीं लोगे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही लिखा है. कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक में हर तरीके का कोल्ड ड्रिंक आएगा, मतलब बी सी ई एंड एफ टोटल कोल्ड ड्रिंक का जो सर्कल है उसका टोटल वो कितना परसेंट है एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कॉफी. तो कॉफी के यहाँ पे भी ओनली कॉफी नहीं लिखा है, पूरा का पूरा सर्कल आएगा कॉफी का और इनटू 100 हो जाएगा. नाइन्टी सेवन आ रहा है.
97 है। हो सकता है। सही है। आपको ऑप्शन में दो ही हो सकता है, या तो 96 हो सकता है या तो 97। अप्रोक्सीमेटली दिया है ना, तो 96 और 97 जो ऑप्शन में होगा वो आप मार्क करोगे, लेकिन देखा जाए तो 96.7 आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक, तो ये पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा। ये टोटल कितना आएगा, 40 प्लस 30 प्लस 30 100 हो गया, प्लस 115 इज व्हाट परसेंट एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कॉफी, मतलब ये टोटल आ जाएगा, ये हो गया 60 120 90 120 आ जाएगा इनटू 100, परसेंटेज पूछा इसलिए इनटू 100 हो गया। 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 into 2 5 into 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23। यहाँ पे अगर फिर से डिवाइड करते भी हो, ठीक है, 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50। 96 है मैम, अरे दिखाई तो फिर से वही आ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे डायरेक्टली 23 से करोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2300 divided by 24 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 9 से जाएगा, 24 into 9 216 आएगा, कितना बचेगा, 24 बच जाएगा, 96.7 दिया है ना, तो यहाँ पे आपको एक तो 96 हो सकता है ऑप्शन में, या तो 97 हो सकता है, दोनों में से एक मार्क करोगे। दोनों नहीं होगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दिया है, दोनों नहीं होगा। और और एक सा सेम एक करना है आपको कैलकुलेट, या तो एक काम करते वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्म ही करेंगे, टीआई ही बनाएंगे, सेम टाइप है, लिख के देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ लिखो, देयर आर
चलो हो गया, सेम है यहाँ पे भी, वैनिला बटर स्कॉच एंड चॉकलेट है। चलो ट्राई करो सब अब। सबका टोटल 210 होना चाहिए। इजी है वाला, इजी है। 40 पीपल ईट ओनली बटर स्कॉच, ओनली बटर स्कॉच। ये जो है बटर स्कॉच है तो यहाँ पे आ जाएगा 4040। 30 पीपल ईट ऑल दी थ्री फ्लेवर्ड आइसक्रीम, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा ई के यहाँ पे। देर आर टोटल 130 पीपल हु ईट बटर स्कॉच। अच्छा टोटल हो गया 130 पीपल हु ईट बटर स्कॉच एंड 100 पीपल हु ईट वैनिला, तो यहाँ पे आएगा 100। आउटर हो गया मैडम, हो गया ठीक है। चलो 40 पीपल ईट बटर स्कॉच एंड वैनिला, बटर स्कॉच एंड वैनिला 40 आएगा। 10 पीपल ईट चॉकलेट एंड वैनिला, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है 130, देखो यहाँ पे बटर स्कॉच पूरा का पूरा सर्कल 130 है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें एफ मिल जाएगा, मतलब बी सी ई एफ, बी सी ई एफ में से बी सी ई माइनस कर देंगे। 40 + 40 + 30 कितना हो जाएगा 110।
उसमें से वन, अच्छा 110 माइनस कर देंगे 130 में से, वो आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पे भी तीनों का तीनों है, चॉकलेट का तो नहीं पता, अच्छा वैनिला का पता है। 40 प्लस 30 प्लस 10 कितना होगा, 80। 80 में से 20 गया है, अभी ये इसमें से सिर्फ ये ही बचा है, तो 210 में से माइनस कर देंगे पूरा का पूरा। तो ये जो है यहाँ पे देखो, ये तो 130 हो गया, ये पूरा का पूरा 130 हो गया, इसमें से 30 ऐड कर दो और 130 प्लस 30 160 हो जाएगा, और हमें 210 चाहिए, तो और कितना चाहिए, 50 हो गया, सब वैल्यूज मिल गया। चलो ठीक है, 50 आएगा मैम। हाँ 50 आएगा ना, 210 माइनस 160, 210 में से माइनस कर देंगे 160, 50 बचेगा ना मैम। 160 ये वाला जो है 130 है ना, और वेनिला 100 है ना। 130 प्लस 100 में वो 210 में से माइनस होगा ना, 130 प्लस 30 होगा ना। अच्छा 130 में 30 ऐड किया है मैंने यहाँ पे, 130 में 100 ऐड होगा। मैम करेक्ट है, मैडम राइट है। हाँ करेक्ट है, 130 में 100 कैसे ऐड होगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला रिपीट होगा ना, 100 कैसे ऐड कर सकते हो, 100 ऐड नहीं होगा। 100 में देखो आप यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो, फिर से यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो, तो ये दो दो बार ऐड कर रहे हो, वो रॉन्ग हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। ये मैंने क्यों लिया, ताकि हमें अलग से एडिशन ना करना पड़े, इसीलिए मैंने वो लिया है 130। अगर आप 100 ले रहे हो तो बाकी 40 प्लस, मतलब 40 प्लस 20 60 ऐड करोगे तो भी 160 हो जाएगा। आप 130 लोगे, ये पूरा का पूरा बॉक्स ले रहे हो, ठीक है इसे छोड़ दो, ये तीन बच्चा है ये तो निकालना है, तो ये 30 ऐड करोगे आप यहाँ पे। अगर ये वाला ले रहे हो तो यहाँ पे 40 प्लस 20 60 ऐड करोगे 100 में, ठीक है। यहाँ पे 130 प्लस 100 नहीं करना है, रॉन्ग होगा, वो रॉन्ग होगा, वैसे नहीं करना है, एक ही बार लेना। आप दो दो बार दोनों में ऐड कर रहे हो, बटर स्कॉच में भी यहाँ पे ऐड कर रहे हो, इसमें भी ये दोनों का दोनों दो बार ऐड हो रहा है, 40 प्लस 30 दो बार नहीं, सब एक ही बार आना चाहिए। समझा ना कहाँ पे गलती हुआ, वैसे नहीं करना है। ओके मैम ठीक है, सबका भी आया 50 ही आएगा, जी का वाली। आइसक्रीम था ना मैम, डबल लेने की इच्छा हुई। हाँ आइसक्रीम था ना, बटरस्कॉच चॉकलेट एंड वैनिला। किसी को डाउट है इसमें, अभी बोलो मैम। 210 माइनस 160 किया इसलिए 50 आया ना जी का। 210 हाँ 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 सही सही, 210 माइनस 160 सही है। ओके मैम, और किसी को डाउट है। चलो इसका जो क्वेश्चंस है ना, जैसे हमने लास्ट में लिया वैसा ही है, तो हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे क्योंकि बाकी भी डीआई बाकी है, और डीआई के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल फिर से डीआई ही होने वाला है, ठीक है। और भी डीआई बाकी है हमारा, बार ग्राफ हो गया है, लाइन चार्ट हो गया है, पाई चार्ट हो गया है, और हमारा कैसलेट हो गया है। और कुछ हुआ है, मिसिंग नहीं हुआ है ना, मिसिंग नहीं हुआ है। मिक्स डीआई हुआ है क्या, दो मिक्स डीआई बाकी है, मिसिंग बाकी है, रडार ग्राफ बाकी है, फनल, हाँ फनल डीआई बाकी है, वो भी लेंगे, और हाँ उतना बाकी है, वो लेना है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अगर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म नहीं हुआ तो उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, डीआई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है। आपने फूड और ट्रैवल वाला लिया, वो कौन सा था, फूड और ट्रैवल अभी लिया था वो, बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय।